वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 35 जो कि है 23rd of September की। इस टॉपिक में हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के बारे में। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हम लास्ट वर्कशीट में भी हम देख चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कि हमें जब कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करनी है तो एक्सपेरिमेंट में एक खास बात होती है कि पहला इवेंट दूसरे इवेंट से कोई भी उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होता। तो ऐसा इवेंट हो गया जैसे डाइस फेंकना। अगर मैंने एक डाइस फेंका, पासा फेंका, तो पहले पासे में जो आया तो दूसरे पासे में जो आएगा वो पहले से कनेक्टेड नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। 11th और 12th क्लास में जाके आपका जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी। तो आप अभी चिंता मत करें, आपके सिलेबस में से वो है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ही है। तो बहुत ही आसान एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है क्योंकि उसमें जो इवेंट्स होती हैं वो इक्वली लाइकली होता है। इक्वली लाइकली का मतलब हो गया, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, कि पहला इवेंट दूसरे इवेंट से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है और हर एक इवेंट का आने का चांस बराबर बराबर है, बायसनेस नहीं है वहां पर। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट या फेवरेबल केसेस टोटल नंबर ऑफ केसेस। यहाँ पे इवेंट की जगह पे केसेस बोला है, केसेस इसलिए क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, इनको पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2400 फैमिलीज का जो है सर्वे करा गया और सर्वे के बाद ये टेबल उन्होंने ढूंढा। ये बुक का ही क्वेश्चन है, उन्होंने यहाँ पे दे दिया है और उसके बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। अर्निंग 10,000 to 13,000, तो आप ये देखें 10,000 to 13,000 पर मंथ ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। तो यहाँ पर 2 व्हीकल्स कहाँ पर है, 29 लोगों के पास है। देखो टेबल पढ़ने का ये तरीका होता है। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दी थी वो दी थी कि 10,000 से 13,000 बंदे की इनकम हो और 2 व्हीकल हो। व्हीकल का मतलब हो गया गाड़ी। तो 29 लोग ऐसे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई ऐसे लोगों की अगर हम चुने। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इसका मतलब है कि अगर मुझे रेंडमली चुनना हो ऐसे लोग जिनकी इनकम 10,000 से 13,000 के बीच में हो और 2 उनके घर में व्हीकल्स हो, तो ऐसे 29/2400 हो गया आपका आंसर। 2400 कहाँ से आया, 2400 फैमिलीज का हमने सर्वे करा था वहां से। तो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी है। 16,000 उससे ज्यादा, 16,000 उससे ज्यादा का आप देख ले यहाँ पर, ये रहा ठीक है, ये वाले आपको रो देखना है। और ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, एक व्हीकल की लाइन ये रही, तो आ गया 579। तो आप देख ले 579 और इसको आपने रिड्यूस कर दिया, आ गया 193/800। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अर्निंग लेस देन 7,000, 7,000 से कम, 7,000 से कम, देखो ये पहला रो। और ओनिंग डू नॉट ओन एनी व्हीकल, एक भी व्हीकल नहीं मतलब 0, तो यहाँ पर आ गया 10। तो आंसर हो गया 10/2400, तो इसका आंसर आ गया 1/240। मेक श्योर आप इसको रिड्यूस जरूर करें। नेक्स्ट है आपका डी, 13,000 to 16,000 per month एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल। तो ये है 13 से 16 और 2 व्हीकल हो गए ये 59। तो आंसर हो गया इसका 59/2400। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो आंसर नंबर डी, ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल, सॉरी यहाँ पे मोर देन 2 व्हीकल बोला था, मोर देन 2 व्हीकल हो गया 25, 25। तो 25 होगा उसका आंसर, ये आ गया 25/2400। लास्ट पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। नॉट मोर देन 1 व्हीकल का मतलब हो गया एक से ज्यादा नहीं। एक से ज्यादा नहीं का मतलब क्या हो गया, एक या एक से कम। तो यहाँ पे उन्होंने सैलरी का कोई बात ही नहीं करी, तो सैलरी सारी लेनी पड़ेगी। तो सैलरी सारी लेनी पड़ेगी तो ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10, 160, इन सारे नंबर्स को ऐड करके 579 तक ऐड करना पड़ेगा और आंसर आपका तब आएगा। तो इन सबको आप जब ऐड करोगे तो ये आंसर बन गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आखिरी, आखिरी पार्ट की वजह से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ जल्दी से। फ्रॉम ईच ऑफ 5 bags of seeds, 50 seeds are randomly selected फॉर जर्मिनेशन। आफ्टर 20 days, द नंबर ऑफ सीड्स जर्मिनेटेड फ्रॉम ईच बैग आर टेबुलेटेड। बैग 1 से 40 सीड्स जर्मिनेट हुए, जर्मिनेट का मतलब होगी उगी। बैग 2 से इतनी, बैग 3 से इतनी, सारी पूछी है उन्होंने।
वो आगे बोला प्रोबेबिलिटी निकालो सिलेक्शन ऑफ अ बैग हैविंग एटलीस्ट 40 जर्मिनेशन सीड्स। तो ऐसे बैग चुनो जिनके एटलीस्ट मिनिमम, एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम जो होता है वो 40 हो। तो देखें हम 40 कौन कौन से हैं, देखो ये सारे ही हैं सिवाय इसके 39 के। तो इसका मतलब हो गया 1 2 3 4, 4/5, 5 बैग थे तो आंसर हो गया 4/5। देखिए बहुत ही सिंपल सा होता है, प्रोबेबिलिटी पेपर में तो आपको छोड़ना ही नहीं है। आपकी मैथ चाहे वीक हो, प्रोबेबिलिटी चैप्टर बिल्कुल मत छोड़िएगा। इसके रिलेटेड वर्कशीट्स और भी बना रखी हैं मैंने, तो आप उनकी वीडियोस आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। आगे चलते हैं। इन क्रिकेट मैच बैट्समैन जो है 8 टाइम हिट करता है। आईपीएल शुरू हो चुका है तो किन किन को आईपीएल पसंद है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बताएं कि आज कौन जीतने वाला है। 8 times out of 40 balls he played, find the priority he did not. ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, did not hit the boundary. देखो अगर प्रोबेबिलिटी थी कि उसने हिट करेगा 8 बार, और नहीं हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर, इसका मतलब नॉट हिट की प्रोबेबिलिटी होगी 40 minus 8 हो गया 32/40। तो हम इसको रिड्यूस कर देंगे, 2 से डिवाइड करो 1, 6, 20, अभी भी 2 से डिवाइड हो सकता है 8, 10, फिर भी रिड्यूस हो सकता है 4, 5, तो आंसर आ गया 4/5। तो ये हो गया आपका नॉट हिट की प्रोबेबिलिटी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रॉम द टेबल इन एग्जाम्पल 2। ये वाला एग्जाम्पल से हमें इसने बोला है, तो टेबल से फाइंड द प्रायोरिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ बैग हैविंग अ नंबर ऑफ जर्मिनेशन सीड मोर देन 40। ठीक है, मोर देन 40। देखो अब दोनों लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बोला था एटलीस्ट 40 और यहाँ बोल रहा है मोर देन 40। तो एटलीस्ट 40 में 40 चाहिए, ठीक है, पेपर में बोल दिया मोर देन 40, तो 40 नहीं चाहिए, 40 से ज्यादा चाहिए। 40 से ज्यादा कौन कौन सा है, एक ये, एक ये और एक ये, तो 3 हो गए ना। तो आंसर यहाँ पे पहले पार्ट का हो गया, पहले पार्ट का मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, 3/5 बैग थे तो 3/5 आंसर हो जाएगा। सेकंड उसने बोला एग्जैक्टली 49। 49 है क्या यहाँ पर किसी भी बैग में, आप बताओ, है? बिल्कुल भी नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, 0/5। तो 0/5 का आंसर होता है 0। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस ले लेता हूँ मैं ऊपर, अगर हमें कोई स्पेस मिल जाए तो, एक सेकंड का टाइम दें। ओके, ऊपर थोड़ी सी स्पेस हमें मिल रही है। देखो प्रोबेबिलिटी जो होती है उसकी रेंज होती है, मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, रेंज रेंज होती है 0 to 1। मैक्सिमम जो होती है वो प्रोबेबिलिटी होती है 1, और सबसे मिनिमम होती है 0। देखो 0 को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप मुझे बताओ 1 को क्या बोलते हैं, मैं आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देखना चाहूंगा कि 1 की प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं। अगर किसी चीज को, ये बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, आप इसको ऐसे ही ना समझें, क्वेश्चन आ जाता है इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, तो डैश इवेंट इज 1, तो आपको वो डैश बताना है वो क्या होता है। अभी के लिए इस वर्कशीट में इतना ही, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।